हाँ दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे पीयू लेदर की। ठीक है, पीयू लेदर जो है बहुत ये टर्म एक ऐसी टर्म है जिससे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, कई बार जो है हम लोग जो है ऑनलाइन जब परचेजिंग करते हैं तो उसमें पीयू लेदर लिखा हुआ आता है। ठीक है, और पीयू लेदर बहुत सारे बैग्स में, ठीक है, अपने जो ट्रैवलिंग बैग हो गए, हैंड बैग हो गए, पर्स, शूज, और यूँ समझ लीजिए अपहोल्स्ट्री, जो सोफ़ा, कार की सीट्स, है ना, बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी अनगिनत चीज़ें हैं जिनमें पीयू लेदर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये टर्म जो है पीयू लेदर और लेदर, है ना, ये सब जो है ये आपस में कितने कनेक्टेड हैं, है ना। और इसके अलावा बहुत सारी टर्म्स ऐसी भी है जैसे सिंथेटिक लेदर हो, इसके बाद आपका जो हो गया आर्टिफिशियल लेदर हो, आर्टिफिशियल लेदर के अलावा इसके बाद में जो है मैनमेड जो लेदर होता है, मैनमेड या फिर मैनमेड मटेरियल जो होता है, पीयू मटेरियल, बहुत सारे लोग जो है पीयू मटेरियल के लिए भी कंफ्यूज होते हैं। कुछ ऐसे जो सिमिलर वर्ड्स हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, और उनका जो मैं पूरा एक प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा भी, उसको टेस्ट कैसे करना और कैसे उसको आइडेंटिफाई करना अगर ये पीयू लेदर है तो। दूसरा मैं आपको बता दूं, पीयू लेदर सब्स्टिट्यूट है लेदर का। जैसे अगर लेदर जो है, हम अगर पुराने टाइम पे चले, अगर जहाँ से इस चीज की जर्नी शुरू हुई है, पहले जब लेदर होता था तो लेदर को फिनिश करना, लेदर को पूरा जो है कंप्लीट करना, ठीक है, उसके रॉ फॉर्म से लेके तो उसका जो कंप्लीट पूरा जो फिनिश्ड जो फॉर्म आता है ना, जब कच्चा लेदर होता और कच्चे लेदर से पूरा जो फिनिश करने तक उसकी जो प्रोसेस बहुत लंबी होती थी। ठीक है, और वो जो होता था हर किसी के पास में अवेलेबल होता भी नहीं था, तो उसका एक जो सब्स्टिट्यूट निकाला था ये जो है पीयू लेदर है, स्टार्ट जब हुआ था तो इसका एक सब्स्टिट्यूट बना था लेदर का, पीयू लेदर। ठीक है, तो पीयू लेदर क्या होता है, एक मैनमेड मटेरियल होता है, मैनमेड जो फैब्रिक होता है, यूं समझ लीजिए कि इंसान ने जो उसका जो इन्वेंशन किया और इंसान ने जो उसको फिर बनाना आगे शुरू किया, तो उसको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करने लग गया धीरे 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 धीरे, और लेदर का पूरा एक ये धीरे धीरे एक बहुत बड़ा सब्स्टिट्यूट बन गया। ठीक है, तो पीयू लेदर क्या होता है इसके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे, और मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। मेरे पास में पीयू लेदर के कुछ सैंपल पड़े हुए हैं। ठीक है, इसके पहले भी कुछ वीडियोज़ में मैंने बताया आपको रियल लेदर और सिंथेटिक लेदर जैसे। ठीक है, इसके अलावा जो है मैंने सिंगल जो है सिंथेटिक लेदर के बारे में भी बताया, एक मेरा वीडियो है पुराना जो कि सिंथेटिक लेदर के बारे में जो है उसमें सारी डिटेल दी हुई है। ठीक है, उसके बाद आज हम बात करेंगे पीयू लेदर की, है ना। पीयू लेदर काफ़ी ज़्यादा जो है सर्च किया हुआ जो टर्म है, तो मैंने सोचा कि आज इसी पे एक वीडियो बनाया जाए। काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो बनाया भी नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ इसी पर बनाए। ठीक है, तो चलो मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल बताता हूँ, है ना, और एक एक पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ आपको जो है इस चीज़ में बताता हूँ। ठीक है, चलो चलते हैं अपन। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सामने जो है ये कुछ सैंपल के सब आर्टिकल्स रखे हुए हैं। ठीक है, ये दो जो है ये दो मटेरियल जो है ये लेदर है। ठीक है, और ये बाकी जो है ये चार जो टुकड़े हैं मेरे पास में। ठीक है, मैं सबके टुकड़े लेके आया हूँ, क्योंकि जो है बड़े उसमें मैं लेके नहीं आ सकता, तो मैं ये सब जो है ये काट के अलग अलग ले आया है, ताकि जो है वीडियो बनाने में जो है, अब इसमें जो है हम कैसे डिफरेंस निकालें और कैसे उसको पता करें ये पीयू लेदर है, हाँ, सिंथेटिक लेदर है क्या है। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी बता दूं, जब भी आप ऑनलाइन परचेसिंग करें या फिर जो है कहीं किसी डिटेल में, जैसे कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं उसकी जब डिटेल होती है डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन पर बहुत अलग अलग तरह की टर्म्स चलती हैं, पीयू मटेरियल, ठीक है, पीयू लेदर, सिंथेटिक लेदर, आर्टिफिशियल लेदर, मैनमेड लेदर, ठीक है, लेदरेट एक अलग टर्म है, लेदरेट भी होता है ना। तो ये जो सब टर्म्स है ये लगभग जो है सारी सिमिलर ही होती है ना, ये क्योंकि क्या होता है कि हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा, एक माइक्रोफाइबर लेदर इसको बताना भूल गया, एक माइक्रोफाइबर लेदर भी वही पूरा जो है मटीरियल है, पूरा वही मैनमेड है और पूरा सिंथेटिक जो है मटेरियल है। ठीक है, ये सारे मटेरियल पूरे एक जैसे होते हैं, सिर्फ इनकी जो कंसिस्टेंसी और इनके जो बेस होता, बेस में थोड़ा बहुत जो डिफरेंस आता, बाकी ऊपर जो है पूरा जो इसका जो टॉप रहता है पूरा एक जैसा रहता। चलिए, जैसे मैं बताऊँ आपको, मैंने एक बार इसका बताया था, अब यूँ समझ लीजिए जो भी मैनमेड जो लेदर होता है, पीयू लेदर होता है, वो हमेशा इस तरीके के एक जो थ्रेड होते हैं, है ना, ये जो धागे होते हैं, यूँ समझ लीजिए एक तरीका एक कपड़ा होता है बहुत पतली उसका, है ना, एकदम पतला जो है कपड़ा रहता है, पतला कपड़े के ऊपर
ये जो है, अब मैं बताऊँ आपको, ये जो दानेदार है ठीक है, ये दानेदार जो है पीयू का एक पॉलीयूरेथेन, इसकी जो है पूरी लेयर इस पर बिछाई हुई है ठीक है। तो ये जो होता है ये पीयू लेदर होता है, सिंपल और बेसिक, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ठीक है, ये पीयू लेदर हो गया। यही एज इट इज़ मैं इसका भी दिखाता हूँ, इसमें भी वही चीज़ मिलेगी आपको ठीक है। इसमें एक जो एक कपड़ा है ठीक है, एक पतला सा कपड़ा, इसके ऊपर जो है पूरी एक लेयर बिछा दी ठीक है। क्योंकि इसका बेस जो है ना, बेस जो है कपड़े का होता है ठीक है, तो ये कपड़े का बेस है और ये जो है उसके ऊपर पूरा जो है पीयू का मटेरियल पूरा इस पर लेयर बना के लगाया हुआ है ठीक है, प्रेस करके। वही ये भी दिखा दूँ, इसमें भी वही चीज़ मिलेगी आपको ठीक है, ये दिखा देता हूँ आपको। तो हम इसमें भी देख सकते हैं इन दोनों भी मटेरियल को, ये दो ही मटेरियल है ठीक है, ये दो ही लगभग वही है, पीयू और सिंथेटिक ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा और क्लोज व्यू करके, ये देखिए ठीक है। इसमें भी कहीं ना कहीं आपको ये जो इस टाइप से थ्रेड और ये धागे देख जाएंगे, ये देखिए ठीक है, वही चीज़ इसमें भी मिलेगी आपको और वही चीज़ इसमें भी मिलेगी ठीक है। तो ये एक जो बेसिक सा इसका जो एक आइडेंटिटी है कि इसका जो बेस होता है वो बेस हमेशा जो आपका कपड़े का होता है, फैब्रिक का होता है ठीक है। थ्रेड्स वगैरह है जो अलग अलग बेस हो सकते हैं, अलग अलग क्वालिटी के। जैसे ये दो ही मैं दिखा दूं आपको, तो दो ही में आपको जो है काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा। कैसे, ये जो है ये थ्रेड्स या फिर ये जो है इसकी जो थिकनेस है वो कम है और इसकी थिकनेस है वो ज़्यादा है, ये दोनों में आप देख सकते हैं ठीक है। तो अलग अलग है, थिकनेस का फ़र्क रहता है, बट अल्टीमेटली चीज़ें सारी वही रहती है। अब इसमें जो एक माइक्रोफाइबर लेदर रहता है, माइक्रोफाइबर लेदर में ये होता है कि उसका जो बेस होता है उसके बेस में हमेशा जो है बारीक बारीक जो फाइबर रहते हैं ठीक है। जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं माइक्रोफाइबर लेदर है, तो उसके नीचे जो होता है जैसे अपन कॉटन, कॉटन आप समझते होंगे जो रुई आती है अपनी, रुई के अंदर जो है बारीक बारीक फाइबर रहते हैं, तो वैसे उसके उसके बेस में माइक्रोफाइबर लेदर के नीचे का जो बेस होता है उसमें वैसे जो है बारीक बारीक फाइबर आपको मिलेंगे, तो वो उसकी आइडेंटिटी होती है माइक्रोफाइबर लेदर की। ऊपर अच्छा हम ये समझ सकते हैं जैसे ऊपर जो है टेक्स्चर कोई सा भी हो सकता है ठीक है। अभी मैं दो टेक्स्चर अलग अलग आपको बता देता हूँ इसमें, एक टेक्स्चर तो ये हुआ ये दानेदार ठीक है, और एक टेक्सचर ये हुआ ये क्रोकोडाइल पैटर्न का ठीक है। जैसा मगरमच्छ जो क्रोकोडाइल होता है उसकी स्किन का जो टेक्सचर होता है पूरा सेम टेक्सचर है, तो ऊपर टेक्सचर किसी भी तरीका बन सकता है। बहुत सारी बार ऐसा भी होता है ना, हमें किसी चीज़ का एक पर्टिकुलर टेक्सचर चाहिए रहता है, तो उस टेक्सचर में जो है लेदर नहीं मिल पाता और ये सब चीज़ें जो है ईजिली हो जाती, क्योंकि मशीन से बनी हुई चीज़ है, मशीन से बनी हुई चीज़ हर चीज़ में जो है उसको जैसा हम डिज़ाइन देते हैं वैसी वो बन जाती है ठीक है। अब वहीं मैं इसके अलावा जो आपको डिफरेंस बता दूं लेदर में, तो लेदर में ये जो दो चीज़ मैंने बताई आपको, जैसे ये दो ही जो है ये लेदर है, तो इसमें आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी ये नज़र नहीं आएगा कि ये इसमें इसके बेस पे जो है कपड़ा है ठीक है। ये देखिए ऐसे भी आपको दिखा देता हूँ इसकी पूरी लेयर है ना, ये लेयर आप देख सकते हैं, इसके लेयर में कुछ भी नहीं है, ये भी वही है, इसमें भी कहीं कपड़ा नहीं है ठीक है। तो ये एक प्योर आइडेंटिटी होती है लेदर की है ना, लेदर में लेदर के लिए कोई बेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, किसी बेस पे टिकावा नहीं होता, लेदर पूरा जो है नेचुरल होता है ठीक है। तो ये एक सिंपल सा वो है, इसको आइडेंटिफाई करने का एक जो ट्रिक है, इस तरीके से आप जो इसको प्यू लेदर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ठीक है। अब दूसरा इसमें ये समझते हैं हम कि फ़ायदे और नुकसान कौन कौन से, एक छोटे से एक शॉर्ट उसमें टाइम में हम समझ लेते ठीक है। फ़ायदा कैसा है इसका, कि फ़ायदा ये है कि एक तो इजी टू परचेज है, मंस इसका जो है लेदर के मुकाबले जो है आसानी से ख़रीदा जा सकता है क्योंकि सस्ता पड़ता है ठीक है। और दूसरा ये कंसिस्टेंट क्वालिटी में मिल जाता है, कंसिस्टेंट मीन्स लेदर का एक साइज़ एक फिक्स रहता है कि भाई लेदर जो आपको सिर्फ इसी साइज़ में मिलेगा, इससे ज़्यादा बड़े साइज़ में लेदर मिल नहीं सकता, क्योंकि उसका एक किसी भी एनिमल या कैटल का एक साइज़ फिक्स रहता है कि उस साइज़ का ही जो आपको लेदर मिलेगा ठीक है। लेकिन इसका कोई साइज़ या फिर जो इसका कोई पैरामीटर फिक्स नहीं है, या आप 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर 50 मीटर मीन्स आप कितना भी इसको जो है लंबाई और चौड़ाई में कितना भी बड़ा बना सकते हैं, तो ये आपको कंसिस्टेंट क्वालिटी में मिलेगा हर जगह ठीक है। सस्ता है ठीक है, इजी टू क्लीन है ठीक है। अब लेदर में ये प्रॉब्लम आती है हमेशा और आएगी भी आपको,
कि लेदर में आपको जो है गीला अगर हो जाता है तो वो उसकी एक प्रॉब्लम है, ये वाटर प्रूफ है ठीक है। दूसरा, लेदर आसानी से साफ़ नहीं हो सकता, अगर उसको गीले कपड़े से साफ़ करेंगे तो हो सकता है वो पानी पी जाए, बहुत सारा लेदर अलग, ये इसको गीला होता है तो इसको आसानी से साफ़ हो सकता है, इस पर अगर दाग लगते हैं तो आसानी से निकल सकते हैं पीयू लेदर में ठीक है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं और कुछ इसके नुकसान भी है, क्योंकि इसकी जो है लेयर निकलती, पील ऑफ हो जाता है ये ठीक है। कई बार पीयू लेदर, सिंथेटिक लेदर और जितने भी ये सब लगभग लगभग जो है नाम जो है सबके अलग अलग है, लेकिन है सब मटेरियल सेम ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, कई बार एक ज़्यादा सनलाइट लगने की वजह से है ना, ज़्यादा इसको जो है रेगुलर हल्का अगर इसको घिसाई होती है, अगर इसको अगर किसी चीज़ से रफ़ कर दिया तो इसकी लेयर जो है पील ऑफ होने लग जाती है, इसकी जो है पपड़ियाँ निकलने लग जाती हैं है ना। बहुत सारी जर्किन में जो लेदर जैकेट्स बनती है या फिर जो है रेगजिन की जैकेट्स बनती हैं, लेदर जैकेट्स में तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन रेगजिन जैकेट जैसे बहुत सारी जो DNG की जैकेट है ना, अगर आप ये समझते हैं कि वो जो DNG की जैकेट है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी है आजकल, क्योंकि सस्ती मिलती है और बहुत धड़ल्ले से जो है मार्केट में सप्लाई हो रही है ठीक है। उसका कारण ये है कि सस्ती बहुत है ठीक है, और जो उसकी क्वालिटी है दिखने जैसी है, बिल्कुल वो लेदर जैसी दिखती है और सॉफ्ट रहती है, लेकिन 1 साल या 2 साल के अंदर आप हमेशा किसी भी जिसके पास में भी DNG की जैकेट है उससे पूछ के देखना, उसकी जो लेयर्स निकलती रहती है। मैं इसके लिए भी एक वीडियो आपको आप लोगों के लिए बनाऊंगा DNG की जैकेट के लिए बहुत जल्दी। और एक तो ये इसका जो है माइनस पॉइंट है, दूसरा क्रैक्स आते हैं इसमें। प्योर लेदर, सिंथेटिक लेदर, कोई सा भी आर्टिफिशियल लेदर हुआ उसमें आपको जो क्रैक्स देखने को मिलेंगे है ना, एक टाइम लिमिट के बाद में इसमें सब चीज़ों में क्रैक्स आने लग जाते हैं ठीक है। तो ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं, कुछ नफ़े हैं, कुछ नुकसान इसमें होता है, कुछ फ़ायदा होता है और कुछ नुकसान भी है इन सब चीज़ों के ठीक है। अल्टीमेटली प्यू लेदर क्या होता है उसके बारे में मैंने डीपली जो आपको बताया पूरा और पूरा प्रैक्टिकल बताया ठीक है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके लिए और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हर एक चीज़ पे पूरा डीप इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मैं आपको जो है वीडियोस बनाता रहूँगा, आप जो है मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।